दोस्तों नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड। बिहार के गोपालगंज की दीपावली इस बार फीकी हो गई है। कारण है, बरसों पहले जहरीली शराब से सनी हुई कांड को दोहरा दिया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खजुरबानी कांड, जो कि गोपालगंज में घटने के बाद पूरे देश में प्रचलित हो गया था। दीपावली के ठीक एक दिन पहले यह कांड घट जाता है। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में रुपए पैसे और शराब की पहले से ही वितरण की जाती रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूं तो बिहार में चारों तरफ शराबबंदी लागू है, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन गोपालगंज के सिधवलिया और मोहम्मदपुर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अब तक आधे दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह संख्या आगे भी बढ़ सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शराब पीने से मौत तो नहीं हुई, लेकिन दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसे में उन घरों में आज दीपक शायद नहीं जलाए जाएंगे जिन घरों ने अपने चिराग को इस बार की दीपावली पे खो दिया है। ऐसे में किसे दोषी मानेंगे, शराब पीने वाले, शराब पिलाने वाले या बेचने वालों का मनोबल बढ़ाने वाले को? तो इस बार के इस कांड ने गोपालगंज की दीपावली को फीका कर दिया है। यह कांड माननीय नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के दावों की पोल खोल रही है। फिलहाल गोपालगंज में अभी एक भय का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामलों की जांच में जुटी हुई है। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।